तो चलिए आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमेशा से ही लोकसभा चुनावों में एक अहम भूमिका निभाता हुआ आया है। इस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, जो कि है 80, और केंद्र में किसकी सरकार बनेगी इसमें उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव पिछले साल के मुकाबले कुछ खास होने वाले हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले चुनावों में एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले नेता आज एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़े हैं। उदाहरण के तौर पे सपा बसपा को ही देख लीजिए, पिछले चुनावों में दोनों पार्टियां एक दूसरे पर उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का आरोप लगा रही थी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने वर्ष 2016 में कहा था, अखिलेश की सरकार प्रदेश भर में अराजकता, अपराध एवं सांप्रदायिकता के लिए जानी जाती है। इनकी सरकार बनने की वजह से प्रदेश में गुंडों, बदमाशों, माफियों, भ्रष्टाचारियों, अराजक, आपराधिक व सांप्रदायिक तत्वों के मनोबल आसमान तक पहुंच चुके हैं। और आज वही बहन मायावती उसी अराजक सरकार चलाने वाले अखिलेश के साथ गठबंधन करके यूपी की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बुआ भतीजे की ये जोड़ी उत्तर प्रदेश में क्या गुल खिलाती है। वैसे ये तो एकमात्र उदाहरण था, उन नेताओं की सूची काफी लंबी है जो अब की बार अलग खेमे तथा अलग चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इस सूची में सबसे बड़ा नाम है रीता बहुगुणा जोशी का, जो पिछले बार के लोकसभा चुनावों में मौजूदा गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ी थी। राजधानी लखनऊ से वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, जहां उनको लगभग 3.25 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। बाद में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों से ठीक पहले वे भाजपा में शामिल हुई, विधायक बनी और आज यूपी की सरकार में मंत्री भी हैं। जाहिर है कि इस बार वे भाजपा के पक्ष में वोट मांगती नजर आएंगी। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के तीन बड़े नेता नरेश अग्रवाल, यशवंत सिंह और अशोक वाजपेयी भी अब की बार भाजपा के कमल को खिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। पिछले लोकसभा चुनावों में नरेश अग्रवाल भाजपा को हराने के लिए दिन रात एक करके समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही एक और नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कभी मायावती के करीबियों में से एक। 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बीएसपी छोड़ी तो वह सदन में विरोधी दल के नेता थे। बीएसपी सरकार में भी वह कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, लेकिन 2019 के चुनावों में वह बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य 2009 में कुशीनगर से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस चुनाव में वह भले ही हार गए थे, लेकिन बीजेपी को तीसरे स्थान पर धकेलने में उनकी अहम भूमिका थी। अब उसी बीजेपी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य वोट मांगेंगे। बीएसपी की एक और नेता ब्रजेश पाठक भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और अब भाजपा को जिताने की जद्दोजहद करते नजर आएंगे। तो इन जिन भी नेताओं के नाम हमने आपको बताए, वो कोई छोटे नेता नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा जनाधार रहा है। अब इन नेताओं का भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी की स्थिति और भी मजबूत हो गई है। इन सभी नेताओं का पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण था पार्टी में एक मजबूत नेतृत्व की कमी होना। चाहे वो कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, इन सभी पार्टियों में नेतृत्व की कमी थी। कांग्रेस की नींव डुबाने में राहुल गांधी की कसर नहीं छोड़ रहे। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो परिवार में ही इतना कलेश है कि अब पूरा देश जानता है कि अखिलेश अपनी धुन में सवार है, शिवपाल अपनी अलग पार्टी का गठन कर चुके हैं, और नेता जी यानी कि मुलायम सिंह यादव का कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बेचारे अलग थलग पड़े हुए हैं, उनको कोई सुन ही नहीं रहा। अभी हाल में ही नेताजी ने 2019 के लिए अपनी मंशा भी जाहिर कर दी और संसद के पटल से मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं भी दे दी। बहन मायावती, अब इनके लिए हम क्या ही बोले, पिछले बार लोकसभा चुनावों में इनकी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई, और इस बार अखिलेश के साथ हाथ मिलाकर देखते हैं कि उनकी पार्टी अपना खाता खोल पाती है या नहीं। अंततः आप सबने ये तो जरूर सुना होगा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के ही जाता है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, जहां पिछली बार भाजपा को 80 में से 71 सीटों पर जीत मिली। अब बड़े नामों को अपने मिलाकर दोबारा भाजपा 2014 की अपनी जीत को दोहराना चाहेगी।